महिलाओं ने सीएम शिवराज से की बड़ी मांग, 2 साल से अटका है मामला। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में महिला दिवस के मौके पर प्रदेश की 1300 से अधिक महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। प्रदेश में करीबन 2 साल से कन्या विवाह निकाय योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि महिला को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद अब महिला दिवस के मौके पर प्रदेश के महिलाओं ने सीएम शिवराज से कन्या विवाह निकाय योजना की प्रोत्साहन राशि की मांग की है। जी हां दोस्तों, वही कन्या विवाह निकाय योजना की प्रोत्साहन राशि के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर पर करीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना की प्रोत्साहन राशि 2 साल से महिलाओं खातों में नहीं दी गई है। इससे पहले 2019 में 3000 महिलाओं के निकाय कराए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1700 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि मिल पाई थी। जी हां दोस्तों, इसके अलावा प्रदेश की कमला सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 28,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया था। वही 2020 में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक विवाह होने का कार्यक्रम नहीं कराए गए हैं, बावजूद इसके पिछले साल की अनुसार ऐसी महिला को नहीं मिली है। जी हां दोस्तों, बता दें कि इससे पहले सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस मामले में बजट वित्त विभाग को भेजा गया था, लेकिन अभी भी वित्त विभाग की तरफ से इस पर कोई फैसला सामने नहीं आया। इस साल के बजट की बात करें तो बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। जी दोस्तों, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कई बार शिवराज सरकार से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रोत्साहन राशि महिलाओं को देने की मांग की गई है। वही सत्ता के फेरबदल के बाद शिवराज सरकार द्वारा भी इस योजना की प्रोत्साहन राशि महिलाओं को जल्द प्राप्त होने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस पर निर्णय विचाराधीन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक बार फिर से प्रदेश की महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रोत्साहन राशि को लेकर बड़ी मांग की है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।